जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं इम्तिहान देने जाता था तो मेरी वालदा साहिबा वो चर्च में चली जाती थी, क्योंकि हमारा घर चर्च में ही है और मैं हमारे घर में एक कमरा है। तो मैंने जितनी भी तैयारी की है वो शुक्र है कि खुदा के घर में बैठ के की है। चर्च में जाता था मैं, और मेरी जब मैं इम्तिहान देने चल जाता था तो मेरी वालदा साहिबा 3-3 घंटे चर्च में बैठ के दुआ करती थी कि मेरा बेटा इम्तिहान देने गया और वहाँ वो सरफराज होकर आए। और खुदा का शुक्र है कि मुझे कभी पेपर में कोई मुश्किल का सामना नहीं था होता। तो आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं जहानिया से आया हूँ। आप जहानिया से आए हैं? अच्छा, जहानिया से हैं। तो आपके कितने बहन भाई हैं? जी, मेरा एक भाई और एक बहन है। एक भाई है, तो वो भी उन्होंने भी इतने नंबर लिए हैं कि सिर्फ आप बहन भाइयों में से आप ही कामयाब हुए हैं? जी, वो अभी छोटी क्लास में। अच्छा, वो अभी छोटी क्लासेस में। आप सबसे बड़े हो? जी, मैं अपने घर में बड़ा हूँ। अच्छा, आप सबसे बड़े हो। तो आपने क्या मकसद रखा है अपनी ज़िंदगी में कि मैंने क्या करना है? जी, मैंने आगे FSC प्री मेडिकल करने के बाद मेडिकल डॉक्टरेट में जाना है। मेडिकल डॉक्टर में जाना है? मैं समझता हूँ कि एक डॉक्टर जो है वो फिजिकली तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी एक मरीज़ को गाइड कर सकता है। एक मरीज़ को गाइड कर, बड़ी अच्छी आपने बात की है कि जो आप डॉक्टर जो है फिजिकली तौर पर भी एक मरीज़ को गाइड कर सकता है। और आप जो है क्या कहना चाहते हो, वो जो बच्चे जो आजकल आप जैसे बच्चे जो फोन पे जो मोबाइल्स पे और ज़्यादा, और आजकल तो आप जितने बच्चे भी नशा करना शुरू हो गए हैं, क्या कहना चाहते हो उनको? जी, फ़ोन का इस्तेमाल करें आप, मैं इससे खिलाफ नहीं इसके, लेकिन इसका नेगेटिव यूज़ जो है वो हमारे यंग जनरेशन के लिए जो है वो बहुत रिस्की हो गया है। और इसके साथ जो नशे वाला एस्पेक्ट आपने कहा है, तो इसका सारा जो असर है वो आपके बुरी दोस्तियाँ हैं। आपके दोस्त अच्छे हों और आपके वालदेन आपके दोस्तों को जानते हों, या पहली बात आप दोस्त ना अपनाएं, घर में रहें, मेहनत करें, अपने जो गोल है उसे अपने सामने रखें और दुआ करें, बाइबल पढ़ें, अपने वर्चुअल गेमिंग छोड़ के फिजिकल गेम्स करें, मोबाइल फोन्स का कम से कम, क्योंकि ये इसकी जो लाइट्स हैं वो हमारी आंखों के लिए भी ठीक नहीं है। और बात आपने बड़ी अच्छी की, आपने कहा कि जो दोस्त हैं वो मेरे ख्याल से अपने पेरेंट्स बनाने चाहिए, पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छे दोस्त जो है, क्योंकि जो आपके दोस्त हैं वो आपको ख़राब भी करते हैं, जो आपके दोस्त हैं आपका टाइम वेस्ट भी करते हैं, और आजकल तो मेरे ख्याल से टाइम ही वेस्ट करते हैं। जी, मैं 17 साल का हो गया, आज तक मैं कभी बाहर इस तरह नहीं घूमता फिरता, मेरे वालदेन नहीं अलाउ करते, मैं घर में रहता हूँ और घर में अपने बहन भाई के साथ बात करता हूँ या पढ़ता रहता हूँ, बस रात तक, रात 12-1 तक पढ़ता रहता हूँ। 12-1 बजे तक पढ़ते रहते हैं? कभी कभी 2-2.5 भी होते हैं, या एग्जाम्स के दिन में तो मैं सारी रात ही पढ़ता रहता था। तो चलिए, आप खुदावंद ने आपको कामयाब भी किया, तो आप जो है क्या कहना चाहती हैं ईमान? जैसे उसने कहा कि हमें जो है